सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस. आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में. तो आज हम जा रहे हैं, मेरे पापा का एक फ्रेंड है, उनके घर जा रहे हैं हम, क्योंकि उनका घर गांव में है. तो जैसे हर्षित आ रखा है यहाँ पे देहरादून से, तो उसने गांव वगैरह नहीं देख रखे है कि गाँव में कैसे क्या क्या होता है. तो उसने मेरे को बोला कि मैंने गाँव देखने हैं यहाँ के. तो जो वो अंकल हैं उनके साथ हमारा रिलेशन मतलब एकदम फैमिली जैसा है. तो मैं तो उनके घर बहुत बार जा रखा हूँ. तो आज हम हर्षित को ले जाएंगे वहाँ पे और दिखाएंगे, फिर उसको देखते हैं कैसा लगता है वहाँ पे. तो गाइज अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ, फिर अभी फटाफट से नहाते हैं, फिर उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं और फिर देखते हैं आज क्या क्या होता है. तो पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज गाइज वीडियो को पूरा देखना. नमस्कार अंकल जी, क्या हुआ क्या हुआ? आगे देख के चलाया करो, आप पीछे पीछे देखते रहते हो. चलो अब कहाँ जा रहे हैं आप? आगे देखना, आगे पीछे देखना, मेरे घर आ जाना. हाँ हाँ जरूर, ठीक है बाय. तो अभी हम जैसे रास्ते में चले हुए थे, तो हमारे को अंकल का कोई दोस्त होगा तो उनकी गाड़ी मिल गई थी. तो हमारे को वो गाड़ी मिला है, तो हमारा काफ़ी मतलब टाइम बच गया, क्योंकि हम गाड़ी में आए, कम से कम अगर हम गाड़ी में नहीं आते तो हमारे को आधा घंटा और चलना पड़ता. तो बढ़िया हो गया है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी बहुत है. जैकेट में वेली लिया पहन के, अभी मेरे को उतारनी पड़ेगी अंदर से, फिर टी शर्ट है उसमें फिर सही रहेगा. अभी धीरे धीरे चलते रहते हैं, फिर उसके बाद उतार दूंगा मैं. बाकी मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे चलने में, गांव का मज़ा ही कुछ और है. जो मज़ा पहाड़ों में है वो मज़ा कभी भी शहरों में नहीं आ सकता, ये आप भी एग्री करते हो कि नहीं बताओ. तो अभी चलते हैं. तो अभी हम हैं बाउंडी के पास, जो कि नगाली गांव की है. और ये देख सकते हैं आप, पानी है यहाँ पे, ये मतलब खुद ऊपर पहाड़ों से आता है. ये वैसे तो पहाड़ी है पर ऊपर जैसे बारिश वगैरह होती है तो उसका पानी रिस रिस के भी यहाँ तक पहुँचता है. बाकी यहाँ का व्यू देख सकते हो आप, बादल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं. तो अभी चलते हैं आगे आगे, क्योंकि ये भी सफर बहुत लंबा है. और अभी गाइस हर्षित डर रहा है, नहीं मारती, चल चल. चल वे वहां से, जहां से अंकल जी. वैसे नहीं पड़ती देखो तू. कितना रह गया और अंकल जी आपके घर? उसी साथ में. कितना टाइम लगना? 5 मिनट. और अब वापस जाने की बारी है और हर्षित फिर से डर रहा है. आराम से, आराम से. चल चल ऐसे नहीं करेगा कुछ नहीं. अब मेरी बारी है, देखना मेरे को चके. और ये होती है बिच्छू बुट्टी, यहाँ की लैंग्वेज में इसको खूंखी बोलते हैं. अगर आप इसको टच करोगे तो आपके मतलब खुजली हो जाएगी. और इसका साग भी बनता है बहुत अच्छा. हमारी लैंग्वेज में इसको कंडेली बोलते हैं. तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं अंकल जी के घर, और ये देख सकते हो आप सामने. और ये अंकल आपके खेत है ये, और अंकल जी ने यहाँ पे शिमला मिर्च लगा रखी है, रेड शिमला, और वो रेड हो गई है. और ये भांग के बूटे अंकल जी ने फुल घसा किया हुआ है. पापा ऊपर गेस्ट आए हुए ना. हाँ जी, चल बढ़िया. मम्मी ठीक है? हाँ जी हाँ जी, ठीक है, सब ठीक. आई नहीं ऊपर मम्मी? नहीं घर पे ही है मम्मी. तो मम्मी के थोड़ी टांग में दर्द है ना, तब आए नहीं. इधर ही घर में.
और अभी अंकल जी हमारे लिए मिर्ची तोड़ रहे हैं, तेज मिर्च। गोल्ड मेडल लेके आऊंगा मक्की के, उसमें मक्की फेंकने में नंबर वन। क्या करी तू इसमें? गिरिया के नीचे तब बंदर की तरह खा रही है, फिर बाद में देखियो चल आजा नीचे आजा। अगर ऐसे नहीं उतरते नीचे, अगर चढ़ जाए ना। शाबाश। हेलो, नींद में है? छुटकू जी क्या दिखा रहे हो अब आप? कहाँ है दिखा? नाम बता चल सबके। अब इसका नाम क्या है? इस वाली? नहीं इस वाली का, इस वाली का छोटी बच्ची। छोटी बच्ची? और वो वाली लाली? लाली। अच्छा, और ये क्या है यहाँ पे? बच्चू। किसका बच्चू है? लाली का? नहीं। अच्छा इधर। अरे साथ है। ओ भाई किसका? इसका परे। अच्छा इसका, इसका क्या नाम है? स्पेद जी। स्पेद जी? इसका काई जी। इसका नाम काड़ी जी। और ये? इसका नाम मेरे को पता ही नहीं। नहीं पता? तो जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई, जो मतलब यहाँ पे वो डमरू डमरू टाइप था, थोड़ा सा बड़ा था डमरू से, वो बजा रहे थे अंकल। तो वो यहाँ पर जैसे इनके रक्षा करने वाले आते हैं, देवता लेके आते हैं वो, और उनकी फिर मंत्र मंत्र पढ़ते हैं वो, जैसे कि मतलब यहाँ पे जानवर वगैरह होते हैं वो इनके ऊपर अटैक ना करें, सांप सूंप जो भी होता है वो इनके ऊपर अटैक ना करें, इसलिए वो आते हैं। बाकी इनको घर के अंदर नहीं मानते हैं, मतलब किसी भी देवते को हम घर के अंदर ले जा सकते हैं अपने, तो वो घर के बाहर उठाते हैं। बाकी अब भी ऐसे होता है, मेरे को अभी ढंग से नहीं पता क्योंकि हम गांव में नहीं रहे हैं। गांव में होते तो हमारे को पता होता, पर हमारे को इतना नहीं पता है। बाकी मैंने पूछा था अंकल से, थोड़ा थोड़ा बताया उन्होंने मेरे को, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अभी गाइस शाम हो गई है और अब हमने घर जाना है, तो अभी फटाफट से जूते वगैरह पहनते हैं और फिर उसके बाद घर निकलते हैं। बाकी आप पीछे देख सकते हो कितना हरा भरा है यहाँ पर, ये खेत है अंकल के पीछे है जो आप पीछे देख रहे हो, इसमें उन्होंने पता नहीं क्या लगा यार, मेरे को नहीं पता क्या है, पूछूंगा अभी अंकल से तब बता देंगे वो। तो गाइस अभी हमारी रेस लगी है कि कौन पहले पहुंचेगा घर, सबसे आगे अंकल है, फिर उसके बाद हर्षित, फिर तीसरे नंबर पे मैं हूँ क्योंकि मेरे पास बैग है बहुत भारी, बहुत दुकान है, एक तो बैग है ना मेरे पास इस वजह से। क्या कहना चाहोगे आप कुछ हमारे सब्सक्राइबर को? कि तो कुछ नहीं, अभी चलो इवनिंग वॉक हो रहा है, अभी नहीं, अभी इवनिंग वॉक। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे तो तूफान आ रहा है बहुत ही तेज, और हर्षित की
टैंटा फीस हो गई है, एक थैला लाया हुआ इतना बड़ा, इसमें हम अंकल जी ने हमारे को थोड़ी सब्जियां वगैरह दी, शिमला मिर्च गोभी टमाटर लहसुन प्याज अदरक। हर्षित कैसा लगा? बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आज मैं पहली बार गया ना तू? नहीं, एक बार मंदिर नहीं गया था। अबे वहाँ बोल रहा हूँ मैं, मतलब अंकल के घर तो पहले खेत खूद तूने पहली बार देखी ना? अपने गाँव में जाता मैं। वैसे ज़्यादा मेरे को मेरी बंदी का कि रिप्लाई क्यों दे रहे हैं उसको, कैसे बताऊँ कि अभी ब्लॉग शूट हो रहा है, ठीक रखे हैं अभी बहुत बुरी तरह, अब उसको कैसे बताऊँ कि तेरा बेबी इस वक्त रिप्लाई करने लायक नहीं है। इन अंकल के घर गए थे हम, बहुत मज़ा आया आज, बहुत अच्छा है अंकल का। अरे चलो नहीं, तो गाइस अभी फाइनली पहुंच गए हैं घर, और मम्मी बोल रही थी कि तेरी याद आ रही थी बहुत। मम्मी कैसा लगा हमारे बिना? गंदा है, गंदा लगा। क्यों? याद आ रही थी। और हर्षित पानी ले आते मैं तो, थैंक यू, पहले पानी पी लेते हैं। और हम वहां से लाए हैं ये देखो, एक घिया, ये काकड़ी, काकड़ी जानते हो, काकड़ी जानते हो, और टमाटर, शिमला मिर्च और पता नहीं क्या क्या है। दिमाग खराब हो गया, इतना भारी बैग रखा था। तो अभी गाइस मेरे को नीचे जाना है, थोड़ा काम है, हमारे पापा जी भी आते हुए। हेलो, हाय गाइस, कैसे हो आप सब? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही नए मजेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।